Energy! Benji! Yeah, Pico. Yeah, woman, mama, go. But I'm not. Good. Ah!
विक्रम जी। करण। ये लीजिए आपका करण। थैंक यू मिस्टर दीवान, इट्स ओके। थैंक यू सो मच। तुम ठीक हो ना? या देखिए करण सांस क्यों नहीं? He is choking सर, मुझे इसको सांस नहीं आ रही है। चलिए पहले यहाँ से निकलो प्लीज। करण ठीक तो हो जाएगा ना? करण ने बहुत ज्यादा धुआं इनहेल कर लिया है और इसका इम्यून सिस्टम भी बहुत कमजोर है। आप सब लोग प्लीज साइड हट जाइए, सारे फैंस ऑन कर दीजिए, खिड़की दरवाजे सब खोल दीजिए प्लीज। ओके दी, और खिड़की खोलो। अदिति जी क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? ओके अदिति जी। वन टू थ्री फोर। अदिति आर यू ओके? किसी को सीपीआर देना आता है यहाँ? मैं नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मुझे अस्थमा है। मैं कोशिश करता हूँ। नहीं सरब जी, सीपीआर एक प्रॉपर टेक्निक है, किसी और को आता है? मैं दे सकता हूँ, हम लोगों को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। आई डू इट प्लीज। मिस्टर गिल प्लीज हेल्प लाइक दिस। वन टू थ्री फोर। करण की ब्रीदिंग नॉर्मल हो रही है।
अदिति जी, मेरा बांदूर ठीक तो हो जाएगा ना? घबराने की कोई बात तो नहीं? अभी इसने सिर्फ सांसें लेना शुरू किया है, आगे के कुछ घंटे बहुत क्रिटिकल है क्योंकि बहुत ज्यादा धुआं इसने इनहेल कर लिया है और ये अटैक दोबारा भी आ सकता है। We have to keep him under observation. सरबजी जी, आप प्लीज आप एम्बुलेंस बुलाइए, हम करण को अभी हॉस्पिटल लेके चलेंगे। प्लीज प्लीज एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। नहीं मेहर जी, चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है, ऐसे में करण को हॉस्पिटल लेके जाना आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। हमें यहीं पर रह के इसका इलाज करना होगा और इसको हिम्मत के साथ लड़ना होगा। मेरा करण भी होता है, न जाने कितनी बार जिंदगी और मौत की जंग लड़ा है, आज भी लड़ेगा और जीतेगा। विक्की, तुम अभी मेरे घर जाओ, वहां से मेरी मेडिकल किट, ऑक्सीमीटर, पल्स मॉनिटर और एक ऑक्सीजन सिलेंडर अभी लेके आऊं। ओके। और सरब जी, मैं आपको कुछ मेडिसिंस व्हाट्सएप कर रही हूँ, आप फौरन लेके आइए। या। परमपुत्र? कुछ नहीं होगा, हमें करण को हवादार रूम में अभी लेके जाना होगा। इसे मेरे रूम में ले चलते हैं, मेरा रूम बहुत हवादार है। आज सुबह ही पूरा रूम हमने सैनिटाइज करवाया। कम ऑन फास्ट। यस मिस्टर गिल। मिस्टर दीवान, आप मॉल डाउन के अगले सिग्नल से लेफ्ट मत लीजिएगा, वहां से लंबा पड़ेगा। आप ऐसा कीजिए, वहां से सीधा लीजिए और सबवे से ले लीजिए। थैंक यू। और आप प्लीज एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर ले लीजिएगा। केस एन इमरजेंसी, बैकअप रहना चाहिए। या ओके। मेहर जी प्लीज एक बार फोन देखना। हाँ हेलो। मिसेस गिल, जरा अदिति को पूछिए कि ऑक्सीमीटर कहाँ रखा है। अदिति जी, वो ऑक्सीमीटर कहाँ रखा है? बेडरूम के कबर्ड के राइट ड्रॉअर में। बेडरूम के कबर्ड के राइट ड्रॉअर में। ओके, थैंक यू। थैंक्स, थैंक यू। हरलीन जी, बॉइल वाटर दीजिए। हाँ। ठीक है। सरब जी से पूछिए ना, कहाँ पहुंचे वो? हाँ अब मैं करता हूँ। आपकी करण को बाबा जी सब ठीक कर देंगे। हे वाहेगुरु जी, सच्चे पातशाह जी, प्लीज करण नु कुछ नहीं होना चाहिए था। करण नु बिल्कुल ठीक कर दो, नहीं देख सकती मैं उन्हें तकलीफ है।
करण को होश आ गया, लेकिन इसे कुछ घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। एक दिन हमारा ये बांध के पूरे परिवार को साथ में जोड़ दे, अब देखिएगा कैसे पूरे परिवार को साथ में लेके आगे बढ़ेगा। सबको संभालेगा मेरा करण। खतरे की घड़ी टल चुकी है, करण इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। थैंक यू पापा जी, थैंक यू सो मच। वेट, लेट मी चेक। यस, टिकट्स मिल गई हैं। अच्छा, लिसन केयरफुली, तुम, अनीशा, सीनियर ऑफिसर प्रभात और अर्जुन, इन सबको रेडी रखना। मैं ठीक 2 बजे तक दुबई पहुंच जाऊंगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर दीवान। गुड मॉर्निंग मिस्टर गिल। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं। आर यू कंफर्टेबल हियर? आई मीन, यू वांट एनीथिंग? मैं बस निकलने ही वाला। मिस्टर दीवान, कल आपने जो हम पे एहसान किया। एहसान? एहसान कैसा मिस्टर गिल? करण मेरा भी तो बच्चा है। थैंक गॉड, हम सब पर रब की मेहर है जो उसे एक खरोंच तक नहीं है। वैसे सही कहा था आपने, आपका करण योद्धा है, ट्रू वॉरियर, फाइट की उसने, और मैं तो बस यही चाहता हूं कि उसकी लंबी उम्र और हमेशा खुश रहे। गले लगने से थोड़ी देर के लिए जज्बात जरूर बदल जाएं मिस्टर गिल, बात नहीं बदलती। ये दोस्ती अपनी जगह और इंक्वायरी अपनी जगह। बोला, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली,
यू आर अ ब्राइट ऑफिसर। इस इंक्वायरी में कोई कमी कोई कसर मत छोड़िए, तो चाहे इसके लिए आपको किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। चुनौती दे रहे हैं आप? नहीं नहीं, हौसला दे रहा हूं। अब मैं जो करने वाला हूं उसके बाद हौसले की जरूरत आपको पड़ेगी।